हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTET एंड TET प्रिपरेशन में। और सरकारी DL कॉलेज में एडमिशन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। यह देखिए लेटर जो है, यह डॉक्टर विनोदानंद झा, निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण, सभी प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्थल। देखिए 15/4/2019 के डेट में लेटर निकला है। 17/2019-21 में DL कोर्स में नामांकन की कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में। चलिए पूरे न्यूज़ को हम लोग देखते हैं और DL के बारे में पूरी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। यहाँ पे उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आपके प्रशिक्षण संस्थान में 17/2019-21 में 2 वर्षीय DL कोर्स में नामांकन की प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। यह नामांकन वर्ष 2019-21 में NCTE द्वारा अपने महाविद्यालय में DL कोर्स के लिए स्वीकृत सीटों के विरुद्ध किया जाएगा। DL कोर्स में नामांकन हेतु सरकार के संकल्प संख्या 136 दिनांक 4/4/2018 के निर्धारित प्रावधानों के आधार पर नामांकन की कार्रवाई की जाएगी। नामांकन में आरक्षण हेतु राज्य के वर्तमान में प्रभावी नियम परिनियम का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। सभी प्राचार्य अपने अपने प्रशिक्षण महाविद्यालय हेतु अलग अलग विज्ञापन प्रकाशित करेंगे। साथ ही सभी प्राचार्य 17/19-21 में ऑनलाइन ही नामांकन प्रारंभ करेंगे तथा अभ्यर्थियों से नामांकन हेतु निर्धारित शुल्क भी ऑनलाइन ही प्राप्त करेंगे। DL कोर्स में नामांकन हेतु प्राप्त सभी आवेदनों पर एक समेकित बृहत मेधा सूची तैयार की जाएगी। आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी के लिए नियम अनुसार कोटिवार मेधा सूची तैयार कर प्रकाशित की जाएगी। नामांकन समिति की बैठक तिथि निर्धारित कर केवल एक बार में ही आयोजित की जाएगी तथा उक्त बैठक में संपूर्ण मेधा सूची को कोटिवार अलग अलग तैयार की गई है पर सभी सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। 18/2019 से 4/2019 की अवधि में महाविद्यालय में नामांकन के दौरान सीट की संख्या के अनुसार निर्मित नामांकन सूची एवं तदउपरांत क्रमिक रूप से प्रथम द्वितीय एवं तृतीय प्रतीक्षक सूची में कोटिवार नामांकन किया जाएगा। एक बार नामांकित अभ्यर्थी का नामांकन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। सभी प्राचार्य नामांकन प्रक्रिया इस प्रकार संचालित करेंगे कि अभ्यर्थियों को नामांकन कराने में कठिनाई न हो तथा महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध 95% से कम नामांकन न हो। नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर सभी नामांकित प्रशिक्षुओं की सूची पूर्ण विवरण के साथ ईमेल डाक के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे। सभी प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकन में एकरूपता लाने के उद्देश्य से अनुपालनार्थ निम्नलिखित नामांकन कैलेंडर जारी किया गया। देखिए दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करना या 20/4/2019 शनिवार तक कर देना है, ठीक है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि जो होगा वो 16/5/2019 होगा। अब मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति का बैठक 27/5/2019 तक और मेधा सूची का प्रकाशन जो महाविद्यालय के वेबसाइट एवं सूचना पट पर 30/5/2019 तक और मेधा सूची पर अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति प्राप्त करना 8/6/2019 शनिवार तक। इसके बाद है प्राप्त आपत्ति के निराकरण के उपरांत अंतिम मेधा सूची सीट के अनुसार अभ्यर्थियों की सूची एवं कोटिवार विषयवार संपूर्ण प्रतीक्षक सूची का प्रकाशन महाविद्यालय के वेबसाइट एवं सूचना पट पर एवं अंतिम मेधा सूची तथा संपूर्ण प्रतीक्षक सूची की हार्ड कॉपी की एक प्रति 18/6/2019 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को समर्पित किया जाएगा 14/6/2019 शुक्रवार तक। नामांकन हेतु सूचना संप्रेषण SMS वेबसाइट एवं ईमेल पर अनिवार्य रूप से तथा दूरभाष पर अतिरिक्त रूप से 18/6/2019 मंगलवार तक। नामांकन प्रथम सूची का 19/6/2019 से लेके 24/6/2019 तक जो कला विज्ञान और वाणिज्य के लिए अलग अलग होगा। अंतिम नामांकन प्रक्रिया 27/6/2019 से 4/7/2019 तक और नामांकन प्रक्रिया बंद हो जाएगी 5/7/2019 से। और इसके बाद कक्षा का संचालन 5/7/2019 से। और नीचे आप देख सकते हैं जो भी आपको दिख रहा है और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नामांकन के लिए आवेदक को पैसा कितना लगेगा उसको भी देख लेते हैं हम लोग।
₹100 मात्र शुल्क ली जाएगी। इसके अतिरिक्त आवेदक से इस हेतु किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस राशि में से प्रोसेसिंग के सभी व्यय नियमानुसार किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन एवं अन्य ऑनलाइन प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर SBI के माध्यम से कराया जाएगा। विशेष परिस्थिति में अगर किसी प्राइवेट एजेंसी से उक्त कार्य कराने की बाध्यता होती है तो ऐसी स्थिति में एजेंसी से ससमय कार्य निष्पादन एवं न्यूनतम व्यय सुनिश्चित कराने हेतु अनुबंध कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग जो लोग भी शिक्षा के क्षेत्र में अपने करियर बनाना चाहते हैं वो इसमें अप्लाई ज़रूर करें। बहुत कम फी में आप शिक्षक बनने के योग्य बन जाएंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और DLED से संबंधित संपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को देती रहूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने रहें।